This story is brought to you by tapeatale.com. बचपन में उन जगमगाते सितारों का खुशी खुशी इंतज़ार करूं, ऐसी रातें कभी नसीब हुई ही नहीं। वो कहते हैं ना कि बच्चों को जल्दी सुलाने के लिए भूत की कहानियां सुना दो। हाँ, मेरे कहानी में मैं सोता जल्दी डर के वजह से ही था, पर उसमें भूत की जगह मेरे पिताजी के शराब ने ले ली थी। अब बता दूं, क्योंकि मैंने बचपन में ही अपने पिताजी के जिंदा लाश को सड़क से उठा के बिस्तरे पे ला के रखा है, कि भूत का डर भी शराब के सामने कम पड़ जाता है जब वो शराब मेरे पिताजी के आवाज़ में बोलने लगता है। शाम जैसे ही होने आती है, हम भाई बहनों की धड़कनें अपने आप तेज़ होने लगती हैं कि आज भी वो शराब आएगी और सौतन होने का एहसास हमारी माँ को ज़रूर दिलाएगी। इस डर को दोस्तों दंगों के शोर शराबी की ज़रूरत नहीं है, बस एक विशेष समय पे घर के घंटी का बजना चेहरे की मुस्कुराहट को डराने के लिए काफ़ी हुआ करता था। वो कहते हैं ना कि रात में बुरी शक्तियाँ जग जाती हैं, सच कहते हैं। मैंने बचपन में अपनी आँखों से इन बुरी शक्तियों को कागज़ों के बक्सों में बिकते देखा है। मैंने इन्हीं बुरी शक्तियों को बोतलों में कैद देखा है। मैंने इंसान के बहुत बड़ी भीड़ को इस बुरी शक्ति को खरीदते देखा है। और उससे भी भयानक दृश्य, जब मैंने उस भीड़ में अपने पिताजी को देखा। वो कहते हैं ना दोस्तों, खिड़की खुली है तो परेशानियाँ तकलीफ़ें सब एक साथ घुस आएंगी घर में। पर मुझे मालूम होता था कि शाम होने पे मैं चाहे जितनी भी खिड़कियाँ बंद कर लूँ, ये सब मेरे पिताजी के झोले में ठीक रात 8 बजे मुख्य द्वार से ही घर में आ जाएंगी। वैसे तो लोग ये भी कहते हैं कि जितनी ऊंची इमारत हो उतना ऊपर घर लेने में मज़ा आता है, पर बता दूं, वो मज़ा सज़ा बन जाता है जब उस घर में शराब राज करता है। अक्सर मैंने अपनी माँ को खिड़की के नीचे झांक के इन्हीं लंबाइयों को नापने की कोशिश में देखा है। मैंने अपने ही घर की लक्ष्मी को एक शराबी इंसान के हाथों रात रात लुटते देखा है। रात में पप्पियाँ दे के सो जाया करता था, मैंने अगली सुबह उन्हीं गालों को सख्त और सूजा हुआ देखा है। याद कीजिएगा वो दिन जब आप सबसे ज़्यादा घबराए हुए हों और ये जान के आपकी माँ ने आपको कस के गले लगा लिया हो। हाँ हाँ, मुझे भी याद है, पर मेरी माँ ये जान के भी कि उनके बच्चे कितने घबराए हुए हैं, वो चाह के भी गले ना लगा पाती, क्योंकि मेरी शेरनी तब खुद कहीं घायल रहती। याद कीजिएगा वो दिन जब आपके रहते आपके सामने आपकी माँ फिसल गई हो और उनको चोट लग गई हो। दर्द आपको भी तो हुआ होगा ना। 15 साल मैंने अपनी माँ को चोट खाते हुए देखा है, समझ सकता हूँ उस दर्द को। वो कहते हैं ना कि अगर दिल में दर्द हो तो पेट का भूख अपने आप मर जाता है। जो बच्चे जो भाई बहन दिन में 7-7, 8-8 रोटी खा लिया करते थे, वो रात में सिर्फ 3 रोटी पे हार मान लिया करते हैं। बिना डर के सब्जी और रोटी मिले ऐसी थाली हमें बचपन में कभी नसीब हुई ही नहीं। गाली गलौज मार पीट तो हम भाई बहन ने ABCD के साथ सीख ली थी। वो कहते हैं कि अगर दिल को सुकून चाहिए तो उन जगमगाते सितारों से बात कर लो। मैंने भी अक्सर चोरी छुपे अपने आप को उन जगमगाते सितारों से बात करते हुए पाया है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये तो शायद बाकी के बच्चे बोला करते होंगे, पर मैंने खुद को, मुझे याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ कैन आई बिकम लाइक यू आर, ये बोलते पाया है, क्योंकि शायद मैंने कहीं सुन लिया था कि मरने के बाद इंसान सितारा बन जाता है। बहरहाल आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो सितारा तो बना नहीं, पर कंधा ज़रूर बना हूँ। कंधा बना हूँ उसी इंसान का जो खुद बचपन में मेरा कंधा बनना भूल गया था। कंधा बना हूँ उसी इंसान का जो जिसका कंधा कभी बोतल के वज़न उठाने में लगा रहता था। अक्सर मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा, मैं पीता हूँ कुछ गमों को भुलाने के लिए, काश उनको कोई जाके बोल देता कि वही शराब उनसे उनकी इंसानियत भी भुला दे रही है, काश। और अभी किस्मत का खेल तो देखिए, बचपन की वो शराब जिंदगी से निकल तो गई है, पर वो जाते जाते मेरे पिताजी के बहुत सी यादों को साथ में लेके चली गई है। आजकल अक्सर वो मेरा नाम भी भूल जाया करते हैं, पर मैं नहीं भूला कि वो मेरे पिता हैं।
शायद इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूँ अपनों को नज़रअंदाज करने का दर्द क्या होता है। पापा, जो भी हुआ कोई बात नहीं, मैं आज आपके साथ हूँ। ऑलरेडी बचपन के बहुत से पल गंवा दिए हैं पर अब और नहीं। आई स्टिल लव यू डैड।